मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र पावर लूम शहर भिवंडी में क्राइम ब्रांच ने डकैती के मुख्य आरोपी दीपक दयाराम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी की तलाश क्राइम ब्रांच को करीब 2 साल से थी। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने चोरों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चैन स्नैचिंग, लूटपाट और नवी मुंबई में 2 साल पहले 10 नवंबर 2017 को सेक्टर 11 में बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में सुरंग बनाकर डकैती डाली गई थी। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 7 बाइक और सोने के कई गहने बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में 28 मामलों का खुलासा हुआ है। इनके पास से 18 लाख रुपए से भी अधिक का सामान जब्त किया गया है। यह थाना पुलिस आयुक्तालय जुरिडिक्शन में कई दिनों से जो घरपोड़ी चोरी के केसेस हैं, चेन स्नैचिंग के, मोबाइल स्नैचिंग के हैं, मोटर वाहन चोरी के केसेस हैं और इतर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के केसेस हैं, वो डिटेक्ट करके प्रतिबंध करने के लिए वरिष्ठ ऑफिसर्स ने टाइमली हमें जो सूचना दिया था उसके तहत भिवंडी यूनिट नंबर 2 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत सो इनके मार्गदर्शन के अनुसार भिवंडी यूनिट 2 के इतर ऑफिसर्स और कर्मचारी इन्होंने दिन रात मेहनत करके गए 1 महीने के दौरान 28 केसेस की उकल किया है और उसमें से करीब 18,47,000 रुपीज़ के जेवर और इतर साधन सामग्री हस्तगत किया है। इसमें अब तक 7 आरोपी को अरेस्ट किया है और इतर आरोपी का भी हम बाकी इन्वेस्टिगेशन हमारा जारी है। पुलिस ने बताया कि इनके ऊपर भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, मुंब्रा समेत कई जगहों पर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि बैंक मामले में दीपक दयाराम मिश्रा ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस इनसे और भी पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि कुछ और भी अपराधों का खुलासा हो। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।